खेल जगत से। चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के महामुकाबला में चेन्नई ने जीता आईपीएल 2020 का पहला मैच। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट खोकर 20 ओवर में 162 रन बनाए। जवाबी पारी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट खोकर 166 रन बनाकर आईपीएल 2020 का पहला मैच में शानदार जीत दर्ज की। आपको बता दें कि चेन्नई के कप्तान के तौर पर धोनी का यह 100वीं जीत है। झारखंड समाचार। एसीबी ने 2000 घूस लेते हुए रिश्वतखोर पंचायत सेवक को धर दबोचा। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की सोनापुरा पंचायत के पंचायत सेवक रामदास चौधरी को धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल रिश्वत लेते रंगो हाथों गिरफ्तार किया। पंचायत सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना मामले में 2000 रुपये घूस ले रहा था। धनबाद एसीबी की टीम ने आज बोकारो जिला में सोहेल अख्तर की पत्नी बीवी मरियम खातून से 2000 रुपये रिश्वत लेते पंचायत सेवक रामजस चौधरी को रंगो हाथे गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित फाइल आगे बढ़ाने को लेकर रिश्वत की मांग कर रहा था। पंचायत सेवक दांतू पंचायत के प्रभार में भी है। पीड़ित सोहेल अख्तर की पत्नी बीबी मरियम खातून ने इस संबंध में धनबाद एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने इसका सत्यापन किया, इसमें ये मामला सही पाया गया। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर पंचायत सेवक को उसके बहादुरपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसीबी की टीम उसे धनबाद ले जा गई। कुपोषण समाप्त करने के लिए 6 महीने में दीदी बाड़ी योजना से 5,00,000 परिवारों को जोड़ा जाएगा। 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलेगा विशेष अभियान। 1.5 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि राज्य में कुपोषण को समाप्त करने के लिए मनरेगा और JSLPS के माध्यम से दीदी बाड़ी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से 5,00,000 परिवारों को 6 माह के जोड़ा जाएगा। आराधना पटनायक शुक्रवार को मनरेगा योजना के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को यह जानकारी दी। उन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। विधवा महिला को 7 वर्ष बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं। खबर गोड्डा के बसंतराय प्रखंड की ग्राम पंचायत सुस्ती की महिला करुणा देवी ने डीसी भोर सिंह यादव को आवेदन देकर आवास योजना स्वीकृति करने की गुहार लगाई है। आवेदन में बताया गया कि वह अत्यंत गरीब है। करीब 7 वर्ष पूर्व उनके पति की मौत हो गई है, लेकिन आज तक उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। ठंड व बारिश से बचने के लिए आवास नहीं है। बताया कि उनके बगल में ही कई सुखी संपन्न परिवार को आवास योजना का लाभ मिला है। कई बार अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन उनके आवेदन पर प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने पंचायत समिति अध्यक्ष और बिचौलिए पर आरोप लगाया कि जो पैसे देता है उनको ही आवास दिया जाता है। विधवा ने उपायुक्त से अविलंब आवास दिलाने की गुहार लगाई है। फीस नहीं भरने पर स्कूल ने हटाया शिक्षा मंत्री के नातिन का नाम। कोरोना महामारी के दौर में लोगों की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं और अपनी रोजी रोटी चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार की तरफ से स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं थे कि वो सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले और हो सके तो जल्द ही फीस भरने का दबाव ना बनाया जाए। लेकिन झारखंड में एक स्कूल ने फीस नहीं भरने के चलते एक बच्ची का ऑनलाइन क्लास से नाम काट दिया गया और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद शिक्षा मंत्री की नातिन थी। मंत्री फीस भरने खुद पहुंच गए स्कूल। दरअसल स्कूल की मनमानी को लेकर झारखंड में कई बार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अब की बार खुद शिक्षा मंत्री ही स्कूल की मनमानी का शिकार हो गए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ट्यूशन फीस बकाया था। फीस बकाया होने के बाद स्कूल की ओर से नाम काटे जाने की बात की गई। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री की बेटी ने अपने पिता को दी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन को फोन कर आश्वासन दिया कि आप नाम ना हटाएं, बकाया फीस जमा कर दी जाएगी। लेकिन मंत्री जी की इस फोन के बावजूद शिक्षा मंत्री की नातिन का नाम ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जारी लिंक से हटा दिया गया। स्कूल की पढ़ाई से नाम हटाए जाने के बाद शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो के दास स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंच गए। मंत्री ने स्कूल पहुंचकर खुद नातिन के ट्यूशन फीस का बकाया 22,800 रुपया जमा कर दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने मीडिया से कहा, हम स्कूल में जानने के लिए आए कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो दूसरों के साथ क्या होता होगा।
हम इस पर आगे जांच करेंगे। हमने अभिभावक के तौर पर स्कूल फीस जमा करवाई है। पी चिदम्बरम बोले, एपीएमसी एक्ट पर कांग्रेस के चुनावी वादे को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, एपीएमसी कानूनों पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र के बयान को भाजपा प्रवक्ता ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर निराश किया। उन्होंने कहा, हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम छोटे शहरों और बड़े गांव में हजारों किसानों के बाजार बनाएंगे। एक बार पूरा होने के बाद एपीएमसी कानूनों को बदला जा सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा ने 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना महामारी में आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे व्यापारियों के लिए 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिजली व पानी का 50% छूट दी जाएगी। हालांकि प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी कर रखा है कि बिजली पर यह छूट फिक्स डिमांड चार्ज पर औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए है। सरकार पर है कुल 101 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की कुल देनदारियों इस साल जून तक 101.3 लाख करोड़ हो गई, जो कि मार्च 2020 तक 94.6 लाख करोड़ थी। वहीं जून 2019 के आखिरी तक सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ था। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाए में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1% था। कोविड 19 के बाद भारत में साइबर अपराधों में हुई 500% की वृद्धि। एनएसए अजीत डोभाल बोले, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के बाद वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तेजी देखी गई है। उन्होंने कहा, सीमित जागरूकता के कारण साइबर अपराधों में 500% की वृद्धि हुई है। कैश पेमेंट कम होने के वजह से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बढ़ी है और डेटा शेयरिंग ऑनलाइन ज़्यादा हो रही है। राज्यसभा में आज पेश हो सकते हैं कृषि संबंधी बिल, बीजेपी ने सांसदों को जारी किया। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को रविवार को सदन में मौजूद रहने का निर्देश देते हुए जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि संबंधी 3 अध्यादेश आज रविवार राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, जिसके विरोध में अकाली दल कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी पार्टियां हैं। इससे पहले शनिवार को राज्यसभा में महामारी रोग विधेयक 2020 पेश किया गया था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस फिल्म सिटी के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे व उसके आसपास उपयुक्त जमीन की तलाश करें और एक कार्य योजना तैयार करें। केंद्र की योजना, अब लद्दाख की घाटी भी जुड़ेगी हवाई मार्ग से। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए महत्वाकांक्षी हवाई संपर्क योजना को मंजूरी दे दी है। अब लद्दाख के सभी क्षेत्र जल्दी हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। लद्दाख क्षेत्र की 6 घाटियों में 6 हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना है। मौजूदा समय में लेह और कारगिल में ही एयरशिफ्ट है। इसके अलावा भारत चीन सीमा के पास 22 उन्नत हेलीपैड भी बनाए जाने हैं। इस योजना पर इसी साल के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। फ्री सिलाई मशीन योजना, महिलाओं को मिलेगी मुफ्त में सिलाई मशीन, जल्द करें आवेदन। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। देश में महिलाओं को लाभ देने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना की बड़ी मात्रा में कारगर हुई है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। सरकार का कहना है कि आज से समय में कोई भी स्थिति में महिलाओं पुरुषों से पीछे न रहे, इसके लिए सरकार ने सिलाई मशीन के द्वारा उन्हें लघु उद्योग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर इसके द्वारा ही बन पा रही है। खबर है वाराणसी से, पीएम स्वनिधि योजना में 4 दिन में पूरा करना होगा पंजीकरण। वाराणसी में पीएम स्वनिधि योजना की स्ट्रीट वेंडर को जोड़ने और फॉर्म भरकर उनको बैंक से लोन दिलाने की दिशा में कार्यवाही तेज हो गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नगर निगम के 5 जोन के जोनल अधिकारियों के इसके लिए 4 दिन का समय देते हुए लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही लक्ष्य के सापेक्ष स्ट्रीट वेंडर को ढूंढ कर फॉर्म भरवाने और पंजीकरण करने को कहा है, जिससे समय में लोन दिला सके। खबर है रेलवे से,
ट्रेनों में ना हो भीड़, इसलिए वेस्टर्न रेलवे चलाने जा रहा है 150 और ट्रेन। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। भारतीय रेलवे कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और ट्रेनों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए अब वेस्टर्न रेलवे 150 नई ट्रेन चलाने जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे 350 ट्रेन पहले से ही चला रहा है, अब 150 और ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें 21 सितंबर से चलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें बिहार के लिए है, जबकि इन ट्रेनों में 19 जोड़े के टिकट हमसफर एक्सप्रेस की दरों से अनुसार होंगे। लखनऊ और दिल्ली के बीच क्लोन ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस की दरों पर बराबरी होगी। कर्ज माफी पर कमलनाथ की चुनौती, 26 लाख किसानों के नाम पते बताने को तैयार। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कर्ज माफी पर चुनौती डाली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को अपने ग्वालियर दौरे के दौरान दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। मैं शिवराज जी को चुनौती देता हूं कि आमने सामने बैठ जाए, मैं आपको 26 लाख किसानों के नाम, उनके गांवों के नाम, कर्ज माफी की राशि का रिकॉर्ड देने को तैयार हूं। कमलनाथ ने कहा कि मैं झूठ की राजनीति बहुत हो गई, अब यह चलने वाली नहीं है। कर्ज माफी, मृतक किसानों का संपूर्ण ब्याज होगा माफ। कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमिका किसान बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना स्वीकृत की गई है, जिनमें 1 जुलाई 2019 को अवधि पार ब्याज दर ब्याज वसूली खर्च में 50% की राहत प्रदान की जाए। 35 दिन में 1.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेगा झारखंड। कुपोषण मिटाने के लिए 6 माह में 5 लाख परिवारों को दीदी बाड़ी योजना से जोड़ा जाएगा। कोरोना संकट के बीच झारखंड में लोगों को रोजगार देने और कुपोषण मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी की गई है। लक्ष्य तय किया गया है कि 35 दिन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1.5 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इतना ही नहीं, कुपोषण मिटाने के लिए 6 महीने के भीतर 5 लाख परिवारों को दीदी बाड़ी योजना से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभाग के सचिव ने मनरेगा योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में सभी जिला के उप विकास आयुक्त एवं सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को जरूर निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अभियान में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांव जाकर सामाजिक इच्छुक मजदूरों को उनकी काम की जरूरत की जानकारी एकत्र करेगा। खबर गोड्डा के ललमटिया ECL से है। जमीन के बदले 7 युवकों को मिली ECL में नौकरी। ललमटिया खदान क्षेत्र के नीमाकला गांव के 7 युवकों को राजमहल परियोजना में जमीन के बदले नौकरी योजना के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी देवेंद्र कुमार नायक ने उक्त सभी युवकों को नियुक्ति पत्र देते हुए बेहतर ढंग से कार्य करने की शुभकामनाएं दी। मौके पर योजना निर्माण एवं पर्यावरण महाप्रबंधक एन दत्ता, कार्मिक महाप्रबंधक SA राव यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। ज्ञात हो कि वसडीहा गांव के पुनर्वास हेतु निमाकला गांव के रहतों की जमीन ECL की ओर से अधिग्रहित की गई है। जमीन अधिग्रहण के बाद यहां के साथ रहतों को आश्रितों को नौकरी दी गई है। जमीन संकट से जूझ रही राजमहल परियोजना को त्वरित रूप से वसडीहा गांव के विस्थापन की आवश्यकता है, ताकि गांव के सटे क्षेत्रों को काटा जा सके तथा कोयला का उत्पादन जारी रहे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के वाले युवकों में अमन कुमार हंसदा, डेढ़ बाबू हंसदा, शैलेंद्र हंसदा, नीरज हंसदा आदि थे। दल बदल मामले में विधानसभा सचिवालय ने बाबूलाल, प्रदीप और बंधु से मांगा जवाब। 7 अक्टूबर तक दिया गया समय। विधानसभा सचिवालय ने दल बदल मामले में जवाब देने के लिए 3 विधायकों बाबूलाल मरंडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को 7 अक्टूबर तक समय दिया है। तीनों विधायकों के आग्रह पर विधानसभा सचिवालय ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि दल बदल मामले में तीनों विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए पूर्व में 17 सितंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन तीनों ने झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बाबूलाल मरंडी भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने झामुमो का विलय भी कर दिया, जबकि उनके निर्णय का विरोध करते हुए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने
अलग राह पकड़ी। बाबूलाल मरंडी के भाजपा में शामिल होने की स्वीकृति चुनाव आयोग से भी मिल चुकी है। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के कांग्रेस में शामिल होने के संबंधित दावे को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी है। फिलहाल विधानसभा सचिवालय ने तीनों विधायकों को निर्दलीय करार दिया है। बाबूलाल मरंडी की दावेदारी नेता प्रतिपक्ष पर है। विवाद के कारण ही पूरा मामला लंबित चल रहा है। तीनों को जवाब आने के बाद विधानसभा सचिवालय दल बदल के प्रकरण पर आगे निर्णय करेगा। सरयू राय का नाम सुनते ही मीडिया पर भड़के पूर्व सीएम रघुवर दास, कही ये बातें। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी है। इसी क्रम में एनडीए के प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। शुक्रवार को वो मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार सहित बिहार सरकार की सराहना की। साथ ही बताया कि चंपारण लालू सरकार में अपहरण उद्योग से विख्यात था और लालू यादव ने बिहार को लूट लिया। वहीं जब उनसे झारखंड में हुए घोटाले पर सवाल किया गया तो वह भड़क गए और सवाल के जवाब में कहा, झारखंड पर सवाल क्यों, बिहार पर सवाल कीजिए। जब पत्रकारों ने उनसे झारखंड में हुए कोयला घोटाला और अवैध खनन और सरयू राय के बयान पर आधारित सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने गोलमटोल जवाब देने की कोशिश की, फिर वो मीडिया पर ही भड़क गए। भड़कते अंदाज में उन्होंने सीधे सीधे मीडिया को झारखंड आकर इस सवाल का जवाब पूछने का निमंत्रण दे डाला और साफ साफ कहा कि बिहार में हूँ तो बिहार चुनाव से संबंधित सवाल पूछे, अन्य नहीं। सांसद संजय सेठ ने कहा, सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज कराना पीड़ादायक, अत्याचारी हो गई है सरकार। झारखंड से बीजेपी के रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार के रवैये पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा सहायक पुलिसकर्मियों पर डंडा लाठीचार्ज कराना अति पीड़ादायक है। चुनाव के वक्त आपने उनका इस्तेमाल किया और जब सरकार बन गई तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हैं। रांची सांसद ने कहा कि झारखंड में सरकार के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है। झारखंड में चारों तरफ अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ भी गई है। जहां कोरोना वायरस विस्फोट हो चुका है, झारखंड में 70,000 लोग इससे जूझ रहे हैं। झारखंड में लागू नहीं होगा किसान संबंधी अध्यादेश झामुमो। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार का किसान से जुड़ा ताजा अध्यादेश झारखंड में लागू नहीं होगा किसानों के खिलाफ अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने साबित कर दिया है कि वह कारपोरेट घराने के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि एनडीए के घटक दल अलग हो रहे हैं। पहले शिवसेना और अब शिरोमणि अकाली दल के रूप में से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार आम लोगों की भावना के खिलाफ काम कर रही है। सुप्रियो ने कहा कि देश भर में किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री बिहार में आने से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रियो ने मांगा कि वह केंद्र सरकार यह बताए कि बिहार के लिए पैकेज का उनका 1,25,000 करोड़ कहाँ है। झारखंड से आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।